टाइम में ना लोगों को सिर्फ पैसे से प्यार है और लोगों को सिर्फ कंपेयर किया जाता है। इंसान इंसान की कदर आज के टाइम में कुछ नहीं है, अगर कदर है तो है पैसा, और जिसके पास में पैसा है तो सब कुछ है, उसके पास में सब कुछ, पूरी दुनिया उसके साथ में जुड़ जाती है। जिस अगर आपको फील्ड में, अगर आपको कहीं पर भी अपनी वैल्यू बनानी है और आपको कुछ भी हासिल करना है तो उसके लिए आपको पैसे को हासिल करना होगा, उसके बाद हम चूमने के लिए तैयार रहेगी। और उसके लिए आपको क्या स्ट्रगल करना चाहिए, चॉइस को भी, जो भी आप करना चाहते हो उसको आप प्रॉपर करो। जो भी आपका गोल है अपनी ज़िंदगी का, जो भी गोल है, 90% लोग तो ऐसे हैं जिनका कोई भी गोल नहीं है और वह सोच रहे कि यार मैं किस तरीके से अपनी लाइफ को जीऊँ। जैसे कि कोई मिडिल क्लास फैमिली से अगर कोई बंदा है और उसके पास में आज इतना पैसा नहीं है और वह सोच रहा है कि मैं कुछ अचीव करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी हेलीकॉप्टर में घूमूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने देश से किसी और देश का टूर करूं, और मैं भी, मेरे पास में भी एक बुलेट हो, मेरे पास में भी एक गाड़ी हो, थार हो, और इसी तरीके से अच्छे अच्छे सपने देखता है और सिर्फ चीज़ें खरीदने के लिए वैसे सपने देखता है। इन्जॉय आप अपनी लाइफ का कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको पैसे को अपने काबू में करना होगा, पैसा कमाना होगा। और पैसे कैसे कमाए जाते हैं वह सिर्फ आप अपने माइंड से सोच सकते हो। आपके फैमिली, अगर आप देखोगे आपके दादा परदादा या फिर आपके जो पेरेंट्स है, काम है, कोई भी बंदा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है मिडिल क्लास फैमिली में, और यह रिस्क आपको खुद लेना है। और अगर हाँ, एक बात और, आप इस रिस्क को ले सकते हो लेकिन उसमें आपके फेल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, और पास होने के चांसेस बहुत ही कम आज के टाइम में, क्योंकि हर एक चीज़ में इतना ज़्यादा कंपटीशन है। और अगर आप किसी भी फील्ड में, घुसना चाहते हो और आपकी किसी फील्ड में अच्छी नॉलेज है तो आप स्टार्ट कर सकते हो। स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन टाइम है आज का। अगर आप स्टडी कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, 10वीं 12वीं क्लास में हो या फिर आप कुछ भी, कोई सी भी क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए सबसे बेहतर टाइम है आज का। आप पार्ट टाइम कर सकते हो किसी भी फील्ड में। जैसे कि बंदा क्या करता है, कोई भी बंदा जिसके, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वह कभी भी यह नहीं सोचेगा। जो आज का टाइम है, इस टाइम की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, और अपना टाइम ऐसे मत गवाओ, क्योंकि आने वाले 5-4 सालों के बाद में आपको एक ऐसे मुकाम पर खड़ा होना है। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आप चाहते हो कि मैं अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकता हूँ, 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथली मैं कमा सकता हूँ, उसके लिए आप स्टडी करते करते टाइम एक दो घंटा आप किसी फील्ड में देना स्टार्ट कर दो आज इसे ही, और आपके आने वाले 3-4 साल बाद खुद आपका काम बोलेगा, काबिल हो गया हूँ। और जो बंदा सोचता है कि मैं 10-15 हज़ार रुपये पर मंथली कमा सकता हूँ, वह स्टडी करते करते पर मंथली कमा सकता है। आज के टाइम में सोशल मीडिया और ऑनलाइन मार्केटिंग इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है कि आपको कहीं पर भी जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मजदूरी करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के पास में नौकरी मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का यूज करना आना चाहिए कि किस तरीके से हम सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम हो रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए, शायद और बंदों के लिए यह बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बड़ी है कि मेरी वीडियो पर ऐड नहीं आ रहे, जिसकी वजह से मैं आप सभी को नहीं बता सकता कि किस तरीके से हम YouTube से अर्निंग कर सकते हैं, टेढ़े तरीके से। और दोस्तों, जिस दिन मेरे ऐड स्टार्ट हो जाएंगे उससे 1-2 महीने के बाद मैं आप सभी को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि आप YouTube से अर्निंग कर सकते हो। अगर आपके चैनल पर 50-60 व्यूज भी आते हैं, 1000 व्यूज भी आते हैं, तो आप 1000 या 100 भी व्यूज आते हैं तो आप मंथली 15 से 20 हज़ार रुपये कमा सकते हो। इस समय खराब चल रहा है, किस वजह से खराब चल रहा है, क्योंकि मेरा जो गोल था वह सोशल मीडिया था, यूट्यूब पर वीडियो डालना था, मैं यूट्यूब पर अच्छी खासी ग्रोथ करना था, और मेरी अच्छी खासी ग्रोथ क्या है, मेरा चैनल मोनेटाइज होना ही मेरी अच्छी खासी ग्रोथ है। अगर मेरे पास में इतने टेढ़े तरीके हैं आज के टाइम में, वो उस टाइम कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। कि स्टडी करते करते आप सीख सकते हो कि किस तरीके से हम सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं, जनसेवा केंद्र वगैरह, इन सभी टिप्स को आप सीख सकते हो।
और एक ऐसा प्लेटफॉर्म और चल, आपको वीडियो एडिटिंग करनी नहीं आती तो आप वीडियो एडिटिंग करना सीख सकते हो, आप फोटो एडिटिंग करना सीख सकते हो, मार्केट है वीडियो एडिटिंग की, फोटो एडिटिंग की, और आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो वीडियो एडिटिंग करके, फोटो एडिटिंग करके, स्टडी करते करते, और आप अपना खर्चा उठा सकते हो। 5,000 रुपये भी आप पर मंथली ओनली 3-4 घंटे लगा करके कमा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है अगले 2-3 सालों में। आप सभी को यह बिल्कुल जेन्युइन है और 100% सच है, एकदम मजबूत हो जाऊंगे उस टाइम पर। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई, वीडियो लाइक शेयर ज़्यादा कर देना। तो मिलते हैं आप सभी से ऐसी इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में और अगली टिप्स के साथ में।